आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ खुद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, कैसी तबीयत है आपकी? व्हीलचेयर पे नजर आ रहे थे, अब तो ठीक है? वो एक दिन मुझे लीवर की बायोप्सी के लिए एडमिट होना पड़ा था, तो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसी के लिए व्हीलचेयर से वो मेरी जांच कराने ले जा रहे थे। तो अब सब सही है? ठीक है। ये बताइए संजय जी, जैसे ही आप आए आपने एक वॉर क्राई दिया कि जेल अब सारे साथी, जेल के ताले टूटेंगे, सारे साथी छूटेंगे, तो कब तक छूट रहे हैं मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी निर्दोष हैं, इन पे कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है और झूठे गवाह तैयार करके ये सारे मामले बनाए गए हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है कि न्यायालय इनको जल्द न्याय देगा। लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास वरिष्ठ वकीलों का एक बड़ा पैनल है जिनका आपने कल शुक्रिया अदा भी किया, वो वकील अपने तर्क रख रहे होंगे और जिस कोर्ट ने आपको जमानत दी है, जिन जजेस ने, जिन जरों को सुनकर, अगर उनको वाजिब लगेंगी तो आगे उनको भी देंगे, तो फिर जब उनकी बारी आती है तो फिर पक्षपात के आरोप क्यों? देखिए, मुझे लगता है ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें बहुत कायदे से इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो पीएमएलए कानून है ये थोड़ा जटिल है जमानत के मामले में और इसलिए कई बार इसमें विलंब हो जाता है। मैं अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नीचे की अदालतों से मेरे बारे में क्या फैसले आए थे आप पढ़ के दिखा दीजिएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस भी पूरे मामले में कोई सबूत नहीं। मैं एक एक करके, अगर आप 2 मिनट समय देंगे तो मैं बताऊंगा आपको। 456 गवाह हैं कुल, 456 गवाह ईडी सीबीआई के, 2 साल से जांच चल रही है। 162 गवाह ईडी के हैं, 294 गवाह सीबीआई के हैं। उनमें से कितने गवाहों ने केजरीवाल जी का नाम लिया? 4 गवाहों ने। कैसे नाम लिया, क्यों नाम लिया, ये देश की जनता को पता होना चाहिए कितनी गहरी साजिश हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ। पहला जो मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी है, 2 बयान इनके हैं, 1 बयान शरद रेड्डी का है और 1 बयान चौथा जो सी अरविंद का है। अब इन बयानों की सच्चाई क्या है? 16 सितंबर को मंगुंटा रेड्डी के घर पे, राघव रेड्डी के घर पे छापे होते हैं, उससे कहा जाता है केजरीवाल जी से मिले थे, उसने कहा हां जी मिले थे। क्यों मिले थे? अपने फैमिली के चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन मांगने के लिए मिले थे, ये उसका पहला बयान है। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है? 10 नवंबर को। 10 नवंबर को उसके बाद जब उसकी 10 फरवरी को गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद जुलाई 16 तक 6 बयान उसके बेटे राघव रेड्डी के होते हैं, 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के होते हैं, कभी केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। 10 बयान में बाप बेटों ने, एक अंतिम बयान में नाम लिया बेटे ने, एक अंतिम बयान में नाम लिया बाप ने। ठीक है। और इतना ही नहीं हुआ, उनके सारे बयान ईडी और ईडी वालों ने छिपा लिए। कोर्ट से हमने अपील की कि साहब हम देखना चाहते हैं कौन से बयान इन्होंने छिपाए हैं, और तब यह खुलासा हुआ कि अरे जब वो पहले गिरफ्तार किए गए थे, जो बयान उन्होंने पहले दिए थे वो तो छिपाया था ईडी ने। ठीक है, मैंने आपकी बात बिल्कुल शालीनता से सुनी और तो मान भी लिया। क्यों छिपा? आपने क्यों छिपाया था? आपने वो सारे बयान पता भी करवा लिए। ठीक है, अब शरद रेड्डी की बात नहीं, तीसरे गवाह पे। देखिए, आप कानून, आज मैं चाहता हूं कि पूरा देश ये जाने। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय, मैं चाहता हूं पूरा देश ये जाने कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे ये झूठे बयान तैयार किए गए। शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है, उससे 12 बयान लिए जाते हैं, पूछे केजरीवाल जी को जानते हो, कभी मिले हो, कोई लेना देना, कहता नहीं, 10 बयान में नहीं बोलता। 6 महीने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, 25 अप्रैल को वो बयान हमारे खिलाफ दे देता है, 9 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार, छापा मारा जाता है, 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार किया जाता है, 25 अप्रैल को वो हमारे खिलाफ जब बयान दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। यही हुआ है, ये साजिश नहीं है। ठीक है, आपने जो सब कुछ कहा मैंने पूरा आराम से सुना। जाहिर सी बात है कि ये तमाम तर्क आपके पास, देश के प्रतिष्ठित और चुनिंदा वकील का पैनल जो है आप लोगों के पास मौजूद है,
जाहिर सी बात है ये तमाम तर्क, ये तमाम बयान जो हैं, जो आपने पता करवाए खासतौर से कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, ये आपके वकीलों के पास भी होंगे, जिरह में वो इनको सामने भी रखेंगे और फिर अदालत इन पर फैसला भी सुनाएगी। तो अदालत पर तो भरोसा है ना आपको? बिल्कुल भरोसा है। तो वो वक्त लेंगे और सुनाएंगे। लगने दीजिए, इसमें क्या समस्या है? अब समस्या कहां है वो मैं आ रही हूं, अब आ जाता हूं। एक नहीं, आपने कानूनी समस्या पे आ रही और अच्छा सवाल पूछा है, आपके दर्शकों को इसका भी जवाब जानना चाहिए। लोअर कोर्ट, आप हमारे मेहमान हैं, पहले आप सुनाइए फिर मैं अपने। लोअर कोर्ट कोई फैसला देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बदल देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देता है, हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो उसको देश की सरकार बदल देती है। पांच पांच जजों का फैसला हमारे पक्ष में आया था, उसको देश की सरकार ने बदल दिया। तो इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें समय लगने का यह मतलब नहीं कि केजरीवाल जी दोषी हो गए। बिल्कुल नहीं, और उसके आधार पर उनको बिल्कुल दोषी मान लिया जाए, ये कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। बिल्कुल मान लिया आपकी बात। और मेरे शराब घोटाला, तो मेरे दो सवाल बनते हैं। जी हाँ, आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, बिल्कुल हम मानते हैं, और जब तक कानून अपना काम ना करे, देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला ना आ जाए, तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें तमाम लोगों का यकीन है। लेकिन ऐसे में अगर देश का मुख्य, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर होगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? संजय जी, आप एक बहुत ही परिपक्व और समझदार नेता हैं, आप खुद 6 महीने जेल के अंदर रहकर आए हैं, आप मुझे बताइए, जो तमाम जेल के नियम कायदे कानून होते हैं उनको देखते हुए क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल बता रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये कि एक लोकतंत्र की हत्या करने की गलत परंपरा शुरू की गई इस देश में, जिसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आज अरविंद केजरीवाल पे 2 फर्जी मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया, इस्तीफा दे दो। कल भगवंत मान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, इस्तीफा दे दो। विजयन जी को जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया, कह दो इस्तीफा दे दो। ममता बनर्जी जी पे फर्जी मुकदमा, सिद्धा रमैया पे फर्जी मुकदमा, रेवंत रेड्डी पे फर्जी मुकदमा करके आप जेल में डाल दीजिए, कह दीजिए इस्तीफा दो। ये आपका लोकतंत्र? ऐसे देश का संविधान चलेगा? आप विपक्षी सरकारों को चुन चुन के उसकी हत्या करते जाएंगे? दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने सुना। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आपको टोक रही हूं, सुन थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। बिल्कुल, अभी आप जो फ्लैशबैक में भी जाके पूछेंगे उसका भी जवाब दूंगा। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई भी सवाल छोड़ के भागूंगा नहीं, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने चुना है ना केजरीवाल जी को, क्या गुनाह है उनका? अच्छी शिक्षा देना गुनाह है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य का इंतजाम, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा कराना, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा देना, ये गुनाह है उनका? इसलिए उनको जेल में डाल दिया और इसलिए इस्तीफा दे दो। मैं तो ये कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? एक छोटे छोटे ऑर्डर को पास कराने के लिए, देखिए जेल के मैनुअल हैं, कुछ नियम कायदे हैं, देखिए थिएट्रेटिक के लिए, परसेप्शन के लिए, नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपको पता है कि उसमें परसेप्शन, जितनी जानकारी मुझे, दुरुस्त कीजिएगा, आप 6 महीने रहकर आए हैं, फर्स्ट हैंड अनुभव है आपको, तो आप ज्यादा बेहतर भी बता पाएंगे। क्या ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कैबिनेट लगानी होगी तो आपको क्या अप्रूवल लेना होगा, परमिशन लेनी होगी? चलिए इस पर भी बात कर लेता हूं, हालांकि मैं चाह रहा था कि केस की सारी डिटेल पे आप बात करती, लेकिन इस पर भी बात कर लेता हूं। जेल का मैनुअल कहता है आप असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं, असीमित, अनलिमिटेड चिट्ठी, जेल का मैनुअल ये कहता है, उस पर जेल की मोहर लगती है और वो चिट्ठी जाती है। सरकारी चिट्ठी लिखने के 2 नियम है। एक, सर मैंने भारत के उपराष्ट्रपति जी को जेल से चिट्ठी लिखी है, भारत के उपराष्ट्रपति कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, उनको जेल से चिट्ठी लिखी है, उसको सुपरिंटेंडेंट ने अटेस्ट किया और वो हमारी चिट्ठी भारत के उपराष्ट्रपति जी को, हमारे सभापति जी के पास गई। कोर्ट आदेश देता है सरकारी चिट्ठियों पर साइन करने के लिए। मैं जेल में था उसी दौरान मैंने तमाम चिट्ठियां लिखी जिससे हमारे सांसद निधि से बहुत सारी सरकारें काम कराया जाए। उस पर काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती? काउंटर सिग्नेचर ही तो बता रहा हूं। पदन गोपनीयता कैसे बनी रहती है, मतलब जो गोपनीयता होती है कि अगर आपने कैबिनेट का कोई फैसला लिया तो उस पर काउंटर सिग्नेचर क्या सुपरिंटेंडेंट के नहीं होते? मुझे दुरुस्त कीजिएगा, दुरुस्त करता हूं। कोर्ट को यह अधिकार है कि वो पत्र को देखे भी नहीं। मैं आपको अपने मामले में भी बता रहा हूं, मेरा एक मामला था जो स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ मामला था। स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी हुई चिट्ठी मेरे पास आई, बंद लिफाफे में वो चिट्ठी आई, जेल के सुपरिंटेंडेंट को निर्देश था ये स्टैंडिंग कमेटी की चिट्ठी है, डायरेक्ट संजय सिंह को मिलनी चाहिए। वो सील्ड कवर में चिट्ठी मेरे पास आई, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, मुझे जवाब देना था। मैंने कोर्ट से कहा साहब इसके जवाब कोई पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी की गोपनीयता का मामला है। कोर्ट ने कहा इनकी चिट्ठियां कोई नहीं पढ़ेगा, सील्ड कवर में वापस कोर्ट के पास गए ना। तो
अरे तो एक छोटी छोटी चीजों के लिए वही पूछ रहे हो सर, प्रैक्टिकली पूछ रहे हो। आप ये बताइए, दिल्ली की एक समस्या है कि भाई गर्मी आ रही है, पानी नहीं है, अब तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, पावर शॉर्टेज होगी, खरीदनी होगी बिजली, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या उसके लिए पहले मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, फिर उससे परमिशन लेके जी इस दिन इस तारीख को कैबिनेट बैठानी है तो बैठाने के लिए अप्रूवल दीजिए, तब तक दिल्ली वाले प्यासे मरें, तब तक बिजली में परेशानी में रहें? एकदम नहीं। या कोर्ट के किसी भी परमिशन में कोई टाइम नहीं लगता है ऐसी चिट्ठियों को साइन करने में? तो मतलब हर बार ये प्रोसीजर चलेगा कि अगर दिल्ली वालों की कोई समस्या आती है तो पहले कोर्ट जाए? सुन तो लीजिए मैडम, एक साथ भी कोर्ट आदेश कर सकता है, कोर्ट की पावर को आप समझिए, कोर्ट एक साथ भी आदेश कर सकता है इनकी सरकारी चिट्ठियों को और गोपनीय चिट्ठियों को कोई नहीं देखेगा, इनको अधिकार है साइन करने का। कोर्ट को तो इतना अधिकार है मैडम, सहारा श्री को इंटरनेट उपलब्ध कराया गया था, जेल के परिसर में मीटिंग करने की इजाजत थी, मीटिंग करने वाले गाड़ी लेकर जेल के अंदर जाते थे और मीटिंग करते थे। कोर्ट के अधिकार पे आप और हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं। मैं पूछ रही हूँ क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? दिल्ली में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, चलिए वो तो खैर केंद्र के अधीन है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर, तो मतलब पहले हम कोर्ट जाएं, कोर्ट से अप्रूवल? मैं कह रहा हूँ कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने अधिकार दिया था सहारा श्री के मामले में दिल्ली? अरे सुन तो लीजिए आप, जो जो बातें आपने कोर्ट की बात की और जेल के अधिकार की बात, जेल में मीटिंग होती थी, जेल में गाड़ियां जाती थी, इंटरनेट उपलब्ध थे, फोन उपलब्ध थे, अपने कर्मचारियों से मिलने का उसको अधिकार था, और यही चंद्रा ब्रदर्स के मामले में भी था और यही सहारा के भी मामले में था। तो एक निर्वाचित 2 करोड़ के निर्वाचित मुख्यमंत्री को ये कोर्ट अधिकार देने में, अपने अधिकारियों से मिलो, बात करो, काम करो, जो गोपनीय चिट्ठी हो उसको उस तरीके से काम साइन करो, जो सरकारी चिट्ठी है उसको उस तरीके से साइन करो, उसको देने में क्या कोई ना तो बुराई है ना कोई रोक है। आप ये बताइए कि एक सांसद, एक नेता राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करता है, एक कंपनी जो है वो अलग तरह से चलती है, एक सरकार लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको अलग तरह से काम करना पड़ता है, तो क्या जेल से सरकार आपको लगता है कि तमाम 100% चल सकती है और ये चलाने दी जाएगी? 100% चल सकती है, वो भाजपा वाले थोड़ी तय करेंगे, वो तो कोर्ट तय करेगी ना, वो तो भाजपाइयों का अधिकार नहीं है। कैसे, क्या प्लान बनाया? वो जज भी नहीं है ना विनय सक्सेना जी, जैसे मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पे विनय सक्सेना जी ने कहा हम जेल से सरकार चलाने नहीं देंगे। भैया आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं क्या? आपने संविधान बनाया क्या भारत का? ना प्रधानमंत्री जी जज है ना विनय सक्सेना, गए तो थे ये लोग हाईकोर्ट, पिटीशन लगी तो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई आपको इस मामले में मैं कोई बात नहीं कह सकता, जेल से अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसको एलजी और राष्ट्रपति देखेंगे, मतलब इस पर फाइनल फैसला वो करेंगे अगर उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ संविधान के हिसाब से बिल्कुल संविधान के हिसाब से। संविधान में क्या लिखा? अच्छा मुझे वो लाइन पढ़ के दिखाइए, आपके दर्शक देखना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ही बताइए, आपके दर्शक देखना चाहते हैं वो? नहीं नहीं मैडम, ना ना आपने इस सवाल पे बहुत समय लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके आपको पूरा देश सुन रहा है, आप संविधान का वो पन्ना दिखाइए जिसमें किसी भी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे। मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात संजय जी सुनिए ना, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इसकी फिजिबिलिटी आपको लगता है आप अच्छा शासन दिल्ली वालों को दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। और मैं दूसरी भी बात कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री को भी कानून में छूट नहीं है, गृहमंत्री को भी कानून में छूट नहीं है, कल को बंगाल में 5 मुकदमा हो जाए, 3 मुकदमा मोहाली में हो जाए, फिर केरल में हो जाए, फिर तमिलनाडु में, तो देश के प्रधानमंत्री थाने थाने घूमते फिरेंगे, वहां का दरोगा पूछताछ करता फिरेगा। इसलिए आपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट जानबूझकर पैदा किया, इससे लड़ने की जरूरत है, इससे भागने की जरूरत नहीं है, वरना ये अरविंद केजरीवाल का अकेले इस्तीफा नहीं होगा, देश के सारे विपक्षी मुख्यमंत्री, याद रखिएगा मेरी बात, वो सारे विपक्षी मंत्री जेल के शिक्षों के पीछे होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई विपक्षी सरकार ही नहीं बने, हमें पसंद नहीं आ रहा इसको पकड़ो उठा के जेल में डालो, चल भाई इस्तीफा दे। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री पे 4 फर्जी मुकदमे हो जाए, उनकी खैर गिरफ्तारी की बात तो संभव ही नहीं है, तो क्या उसके आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? ठीक है, चलिए आप लोगों की पार्टी का फैसला है, आपका अपना निर्णय है, आपने बताया कि जेल से सरकार कैसे चलेगी, कितनी फिजिबिलिटी होगी, वो दिल्ली वाली जनता तय करेगी कि कितने अच्छा शासन उन्हें जेल से सीएम रहकर चलाकर दिखा रहे हैं।
अब ये बताइए कि एक दौर वो भी था जिस पर तमाम विपक्षी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि एक दौर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के नेता किया करते थे, आरोप लगाया करते थे, इस्तीफे मांगा करते थे, जेल भेजने की बातें किया करते थे, तो जब अपने ऊपर बात आई तो फिर स्टैंडर्ड्स बदल गए। ये आपने अच्छा सवाल किया और ये हमने देखा दोहरा चरित्र भाजपा का कि शराब घोटाला जो भाजपा ने किया है, 55 करोड़ की रिश्वत ली है, उस पर ईडी सीबीआई कोई काम नहीं करेगी, उनके नेताओं की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जो मनी ट्रेल साफ तौर पर मिल गया कि एक शराब कारोबारी से, एक शराब के घोटालेबाज से 55 करोड़ की बीजेपी ने रिश्वत ली, उनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी को खत्म करना है इसलिए उन पर झूठे मुकदमे होंगे, उनको जेल में डाला जाएगा और इसलिए उनसे इस्तीफे ले लो, उनकी पार्टी को खत्म कर दो। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र सामने आया है। उतनी ईमानदारी से मांगिए ना भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रवक्ता मांगे जेपी नड्डा जी का इस्तीफा कि भाई 55 करोड़ कैसे आ गया घोटालेबाज से। एलजी साहब ने अभी तक कोई जांच के लिए लिखा पत्र कि भाई ये शराब घोटाले में एक घोटालेबाज ने भाजपा को 55 करोड़ चंदा दिया है, कोई चिट्ठी गई उनकी? तो आप एक पार्टी को इसलिए दबाए जा रहे हैं साहब कि वो काम कर रही है, स्कूल बना रही है, अस्पताल बना रही है, लोगों के लिए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। अगर काम करने की आप हमें सजा देना चाहते हैं तो हम आपसे लड़ेंगे ना, हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। जो इनके साथ झुक जाता है वो पवित्र हो जाता है। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप आप अजीत पवार पर लगाएंगे और उसके बाद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। छगन भुजबल ईमानदार हो जाएगा, हसन मुशरिफ ईमानदार हो जाएगा, शुभेंदु रेड्डी ईमानदार हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी ईमानदार हो जाएगा, जनार्दन रेड्डी ईमानदार हो जाएगा। ये क्या है, हिमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले का आप ही आरोप लगाएंगे, आप ही के साथ वो शामिल हो गया तो ईमानदार हो जाएगा? ये आपका दोहरा चरित्र देखने सोनिया गांधी, तो इसलिए मोदी तमाम लोग जब मोदी जी का नारा है मैदान आए इंडिया अलायंस के तौर पर तब वो ईमानदार हो गए। मोदी जी का नारा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, उसी अभियान में भाजपा ही लगे हुए हैं। तो इसलिए भाजपा के ऊपर भाजपा की बात, आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हैं तो मैं उनसे आम आदमी पार्टी के लिए ही बात कर रही हूं। भाजपा के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये बंगारू जनता पार्टी है और आपके भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार पे ये बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आपके बयानों को लेना चाहिए गंभीरता से, आपके हर सवाल का जवाब नहीं पूछ रही हूँ, मतलब आम आदमी पार्टी लोग तय करेंगे। कई लोग, लोगों की बात कर रही हूँ मैं आपको। एक नई बहस छिड़ गई जब रामलीला मैदान में एक शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस का हुआ अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर। केसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई थी, जिनको भ्रष्ट कहा था, आज उन्हीं के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, क्योंकि तो क्या वो पवित्र हो गए? क्या, क्योंकि आज देश में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट पैदा हो गया है। देश का न तो संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न विपक्ष की सरकारें बचेंगी। आपकी 10 साल से सरकार है ना, आप जो करना चाह रहे हैं करिए, आप कर ही रहे हैं, आप करिए। तो यानी अभी जब मंच पर वो तमाम लोग बैठे थे वो भ्रष्ट थे या नहीं थे? अब या संविधान अभी मौजूदा हालात की मजबूरी थे? देखिए ऐसा है कि ये तय करना, फिर से मैं कहूंगा, जो केंद्र की सरकार है वो जैसे काम कर रही है, मैं तो कह रहा हूं आप करिए ना, खुद जांच करिए, ठीक है, खूब गहराई से जांच करिए, लेकिन अदालतों के सामने पुख्ता सबूत पेश कीजिए। ऐसे झूठे बयान केजरीवाल जी के खिलाफ जैसे आपने तैयार किए और छिपाए बयान, लोग आपने पूछ रहे थे कि भाई ठीक है यही वो लोग थे जिनके लिए आज से 13 साल पहले आप लोगों ने कुछ तरह के शब्दों का बयान आपका इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे जनता का पूछना वाजिब समझा, जो जवाब आपने दिया वो जनता तय करे। अब ये बताइए मुझे कि थोड़ा 6 महीने पहले जाते हैं, जिस दिन ईडी आपके घर आई सुबह सुबह, उस दिन आपको आभास था कि कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि लगातार आप ललकार रहे थे कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। मैं ललकार रहा था इसीलिए वो आए, उसकी कारण है, मैं अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता। उस दिन घर पे क्या हुआ? मैं एक आम आदमी के तौर पर मैं समझना चाहती हूँ उस दिन घर पे हुआ क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्योंकि कोर्ट ने मुझे प्रतिबंधित किया है इसलिए मैं अपने केस के बारे में जो मेरे साथ जाती भी हुई है वो भी नहीं बोल सकता। मेरी सीमा जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ केस के बारे में नहीं बोलना, लेकिन जो जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ जो जाती हुई थी उसमें भी नहीं बोल सकता। जाती हुई थी, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने आदेश दिया है, मैं उस पर, आप बाकी मनीष सिसोदिया पे पूछिए, केजरीवाल जी पे पूछिए, इस केस के बाकी पहलुओं पे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। संजय जी, मेरे साथ
ईडी ने क्या किया, कैसे किया, कैसे मुकदमे तैयार किए, उस पर बोलने से मुझे कोर्ट ने रोका। नहीं, मैं उस पर पूछना भी नहीं चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना मैं जो एक आप लोकप्रिय नेता हैं, जनता के प्रिय हैं, आम आदमी पार्टी के इतने वॉलंटियर्स के लिए आप एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं, तो वो लोग समझना चाह रहे थे कि भाई जब एक नेता के घर पुलिस पहुंचती है, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त उसकी मनस्थिति क्या होती है, क्या चल रहा था मन में, क्योंकि कुछ आइडिया था इतने लंबे वक्त के लिए जाऊंगा, क्या होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उस पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट ने मुझे मनस्थिति पूछ रही हूं, उन्होंने क्या किया, ये नहीं मनस्थिति। आपको मैं बताऊं कि 6 महीने मैं जेल में रहा, इतनी किताबें पढ़ने का मौका मिला, फोन से दूर रहने का मौका मिला, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा बहुत गहराई से, गांधी जी को पढ़ा, पहली गिरफ्तारी उनकी साउथ अफ्रीका में हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा। शहीद आजम भगत सिंह जी ने जब उनको फांसी की सजा हो गई तो उनके भाई एक दिन बड़े उदास थे, तो उन्होंने जाके जेल से चिट्ठी लिखी उनको और लिखा कि आज तुमको देख के मुझे लगा कि तुम बहुत निराश हो। उनको फांसी की सजा हो चुकी थी और अंत में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी उन्होंने, जफा का मतलब होता है अत्याचार, और उन्होंने लिखा कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, और हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। तो आज इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इसमें जितना मुश्किल झेलना पड़ेगा झेलेंगे, और झेलना चाहिए। हमें डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि कुर्ता पजामा पहनना है, राजनीति करना है, हमने अपने मर्जी से रास्ता तय किया है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं, हमारे परिवारों को जो बहादुरी से खड़े हैं इस लड़ाई में। सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी, पहली बार मैंने जब उस दिन जेल से आया, मुलाकात की, उनकी आंखों में आंसू देखा। इस आंसू का हिसाब याद रखिएगा, दिल्ली की जनता लेगी, देश की जनता लेगी। आप ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं एक आदमी को, जिस आदमी ने 15 दिन का अनशन रखा, IRS की नौकरी को लात मारा, 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, उस आदमी पर झूठे मुकदमे लगा के आप अपराधियों की वैन में बिठा के यहां से वहां, वहां से वहां दौड़ा रहे हैं, ये देश देख नहीं रहा है। उनकी पत्नी को, उनके परिवार को किस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं, ये देश नहीं देख रहा है। तो ये मनीष सिसोदिया जी की बीमार पत्नी, पत्नी से पति मिल नहीं पा रहा है अपने, और आज से नहीं 20 साल से उनको भाभी जी को बीमारी है। तो ये कष्ट, ये तकलीफ जो हमारे परिवार भी उठा रहे हैं, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सबने सिखाया, हम लोगों ने भी यही कहा है। मैं 15 मिनट की बात होती थी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उस दौरान मैं हंसाता था अपने परिवार को। संजय जी, कोई ऐसा मौका आया किसी दिन? ठीक है, एक आप आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, जाहिर सी बात है कठोर हैं, मानसिक तौर पर मजबूत हैं, लेकिन एक पिता, एक पति, एक बेटा भी हैं। कोई ऐसा दिन आया जब परिवार से बात करते वक्त संजय सिंह उस रोल में कमजोर पड़ा हो? नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। और मैंने अपने परिवार को यहां तक मना किया था, जब मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और परिवार वाले ने पूछा कैसे हो, हमने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छे हो, स्वास्थ्य ठीक है, मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है बातचीत की, आज के बाद ये सवाल मत पूछना कि कैसे हो, ये पूछा करो जेल वाले कैसे हैं। तो मैंने तो इतना तक प्रतिबंधित किया था अपने परिवार को कि ये भी मत पूछना कि कैसे हो, हो सकता है मुझे कभी अपनी कोई तकलीफ बयान करनी पड़े उनके सामने। तो ये सुनकर जो लोग हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं वो खुश हों, मैं ये भी नहीं चाहता था। इसलिए किसी को ये नहीं पता था, अगर उस दिन मेरी बेल नहीं होती तो किसी को ये नहीं पता था कि मेरी लीवर की बायोप्सी के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरी पत्नी उस समय हॉस्पिटल में थी। और इसलिए कि मैंने देश के प्रधानमंत्री से वादा किया था कोर्ट में जाते समय कि मैं आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। यातनाएं मिली जेल में? छोड़िए, या फिर सबका धन्यवाद है, या फिर मंत्रालय भी आपके अधीन था तो कुछ वीवीआईपी ट्रीटमेंट? सब, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, नहीं। मैं आपको तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि 11 दिन तक ऐसे मुझे निकाला गया है कोठरी से, वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने अपने वार्डों में चले जाएं, अनाउंस होता था, सारे वार्ड बंद होते थे,
पुलिस वालों के बीच से मुझे मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता था, मेडिकल जांच हुई फिर बैरक में जाइए। किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी 11 दिन तक, किसी से बात नहीं, किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। कोई बात करने आ जाता था उसको डांटा जाता था। ठंड के महीने में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, घूमने की इजाजत नहीं थी। मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं। पर वक्त मिलता है कि वहां पर कैदियों को जो अंडर ट्रायल होते हैं वॉक करने के लिए मिलता है, उनके लिए खुली गिनती थी। सुबह 6 बजे गिनती खुल जाती थी, 12 बजे तक वो कहीं भी घूम सकते थे, आ जा सकते थे। म्यूजिक पंजा है वहां पे, मल्टीपर्पज हॉल है वहां, कबूतर, एक कबूतरों को भी पाल रखा है, पार्क है, सब कुछ, कैंटीन है, हॉस्पिटल है। तो वो संजय जी को जाने की इजाजत थी, हमें जाने की इजाजत थी। मैं बता तो रहा हूँ 11 दिन तक कैसे थी। वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने वार्ड में चले जाएं, जेल बंद होती थी, कर्फ्यू की तरह माहौल होता था और मुझे पुलिस के उसमें लेके जाते थे, डॉक्टर चेकअप करते थे, वो भी कोर्ट का ऑर्डर था कि इनकी मेडिकल चेकअप प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद फिर मुझे ले जाके उसी कोठरी में रख दिया जाता था। 11 दिन बाद पूछी, 11 दिन के बाद मैंने जाके सुपरिंटेंडेंट जी से कहा कि भाई जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो मुझे दीजिए, जब सामान्य कैदियों को जो अधिकार प्राप्त है उतने भी मैं पहुंचा तो जेल के अधिकारियों ने कहा कि आपके साथ कोई सेवादार नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद करूंगा, झाड़ू खुद लगाता था, पोछा खुद लगाता था, कपड़े खुद धोता था, सारे काम खुद करूंगा। फिर कहने लगे साहब ऐसा है कि आपके साथ एक जेल पुलिस होगी, एक आपके साथ तमिलनाडु पुलिस होगी। हमने कहा 24/7। अच्छा, जब तक मैं जेल में रहा 6 महीने 24/7, रात में भी पूछते थे हाँ ओके है, तो कई बार नींद में भी होता था तो उठ के बताना पड़ता था। नींद में भी खलल डालते थे कि सब ठीक है। नहीं, मैं किसी, देखिए मेरी, मैं, मेरी आदत नहीं है, इतने साल, इतने 6 महीने उनके बीच में रह के आया हूँ, मैं सबका, उन सबका बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। ठीक है, उनके ऊपर भी कहीं से दबाव रहा होगा, मैं इसका बुरा भी नहीं मानता। धीरे धीरे कुछ दोस्तियां हुई जेल में, कुछ आपसी कुछ संबंध बने। जब जेल में रहा उसके बाद जब मैंने कहा भाई जो सामान्य कैदियों के जो अधिकार है उतने दीजिए, तो उस दौरान फिर लोगों से मुलाकात हो जाती थी, कोई रास्ते में जाते हुए किसी से नमस्कार हो गई, अधिकारियों से थोड़ी कहीं बात हो गई, ये इतना हो जाता था। जेल के दौरान जिस तरह से कहते हैं कि आदमी जब जेल से बाहर आता है तो बहुत बदल चुका होता है, तो कुछ अच्छे के लिए बदलते हैं, कुछ बुरे के लिए बदलते हैं। संजय जी का 6 महीने का जो जेल का अनुभव रहा, उसने संजय जी को कैसे बदला? ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि मुझे बहुत अच्छे रूप में बदला और मेरा जो आत्मबल है वो और मजबूत हुआ। क्योंकि शायद मैं इतनी किताबें 6 साल बाहर रह के नहीं पढ़ पाता जितना कि 6 महीने में पढ़ लिया। शायद मुझे याद नहीं है कि 25-30 वर्षों में इतनी बार मैं दोपहर में नींद ले पाया हूँ। एक एक घंटे दिन में भी खाने के बाद सो जाता था, आराम भी मिला शरीर को। कभी ऐसा हुआ परिवार के लोग जो हैं वो हताश हो गए, उनके आंसू देखे, वो परेशान हो? मैंने आपको कहा ना, मैंने उसके लिए इजाजत नहीं दी। इजाजत ही नहीं दी? इजाजत नहीं दी मतलब कि तुम्हें अब कमजोर नहीं होना है, क्योंकि तुम कमजोर हो गए तो उसका असर कहीं ना कहीं मुझ पर भी पड़ेगा, और मुझ पर भी पड़ेगा तो किसी को मजा आएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि आप, जब आपको कोई विपक्षी आपका इस बात पे लग जाए कि यार इसको यातना देके तोड़ना है और आप टूट जाएं, फिर आप किस बात के राजनेता हैं? टूट गए तो फिर किस बात के राजनेता हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं? इसलिए जब मैं जेल से छूटा और 300 कदम चला बाहर आने तक, गेट के बाहर निकलने तक, तो उस 300 कदम के अंदर मैंने तय कर लिया कि बाहर जाके मुझे अपनी भूमिका क्या निभानी है, झुकना है या और मजबूती से लड़ना है। और उन 300 कदम के दौरान और हर दिन जब जेल में रहा तो यही तय किया कि जिस दिन निकलूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। ठीक है, न्याय मिलने में जो विलंब हो रहा है कोई बात नहीं। अब आपकी पार्टी के बारे में, जेल का आपका अनुभव क्या रहा उस पर तो हमने बात की, अब जरा पार्टी के बारे में आते हैं। आप सुनीता जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, कई लोगों ने उसके अलग अलग मायने निकाले। कुछ जो आपके पुराने साथी हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो कह रहे थे कि अब आशीर्वाद मिल गया है तो हो सकता है जरूरत वक्त आने पर दिल्ली की गद्दी भी मिले। ये सब चीज है, ये मतलब ये इतनी छोटी चीज है कि इस पे बात करना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो सवाल है, मेरा काम है पूछना। मेरे पारिवारिक संबंध है
और मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और परिवार के मुखिया भी हैं। तो मैं भाभी से मिलने गया, फिर मनीष जी के घर गया, वहां भाभी से मिला और तब अपने घर गया। दूसरे दिन क्योंकि रात हो गई थी तो दूसरे दिन सत्येन भाई के भी घर गया। तो हम लोग एक परिवार की तरह साथ में रहते हैं, इसमें ये सब बातें करना भी बहुत छोटापन है। बातें हैं, बातें उठेंगी। हाँ, परिवार से आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही छोटापन है। ऐसे समय में मैं सपने में भी ये सब बातें सोचूं, ये बहुत छोटापन है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। वो दिल्ली के 2 करोड़ जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित, एक नहीं 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने परिवार की बात की, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए सवाल पूछना लाजमी है मेरे लिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवार की बात है तो सुनीता केजरीवाल जिस तरह से उनके संदेश पढ़ रही हैं, जिस तरह से मंच के ऊपर वो बैठी हुई दिखाई दी सोनिया जी के बगल में और फिर संबोधन दिया, तो शायद उत्तराधिकारी के तौर पर परिवार हावी हो जाए। देखिए, इस समय कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम परिवार होता है। जब आप जेल में होते हैं तो आपको लिमिटेड लोगों से बात करने की इजाजत होती है। मैं आपको ये चीज भी बता सकता हूं, जैसे वकील है उससे आपको बात करने की इजाजत होती है, परिवार है उससे आपको बातचीत करने 10 नाम दे सकते हैं आप। हाँ, 10 नाम दे सकते हैं, लेकिन वो जो मुलाकात होती है एक वीसी के थ्रू होती है और एक वहां जाके फिजिकल होती है। फिजिकल मुलाकात में फोन से वो सामने से बात करना, मैंने 6 महीने में कभी वो मुलाकात नहीं की। आपको बता दूं, अपने परिवार से मैंने कभी भी वो फोन वाली मुलाकात जेल में उस तरह से नहीं की। तो वीसी से ही आमतौर पर बात होती है। तो निर्देश लेने का एकमात्र माध्यम भाभी जी हैं, सुनीता केजरीवाल जी, तो उनको जो निर्देश मिलता है, जो वहां से जानकारी मिलती है वो शेयर करती हैं लोगों के साथ। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर जो है सलाखों के पीछे वो भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी के बगल में नजर आई, तो उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, शायद परिवार ने, अगर मैं गलत नहीं हूं जो भी मैं खबर पढ़ रही थी, कि ये कहा गया है कि वो परिवार भी खुश नहीं है भगत सिंह। देखिए, उनके परिवार पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाजपा वालों को शहीद आजम भगत सिंह से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों। उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उनके समकक्ष अरविंद जी के खड़े होने पर। मैं तो यही कह रहा हूं ना भाई, आप 1,000 नहीं 1,00,000 तस्वीरें पा सकती हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, भगत सिंह जी के साथ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ मिलेगी, मायावती जी की तस्वीर मिलेगी, अखिलेश जी की तस्वीर, देश के राजनेताओं की तस्वीर क्रांतिकारियों महापुरुषों के साथ होती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे नौजवान जाते हैं बेचारे भगत सिंह जी के स्टैचू के साथ, वो सेल्फी लेते हैं, फोटो लगाते हैं। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत मायने निकाले जाते हैं, जो निकाले भी जा रहे हैं, चाहे वो आपके बयान हो, तस्वीरें हो, तमाम चीजों की। संजय जी, आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बेबाकी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली की सरकार जेल से कैसे चलेगी ये दिल्ली की जनता भी देखेगी और तमाम लोगों की निगाहें भी इस पर टिकी रहेंगी।